ओके सो वील स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी स्टॉप्ड यस्टरडे। मैंने कल आपको मतलब हमने लास्ट लेक्चर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टार्ट किया था। मैंने आपको बहुत बेसिक बेसिक चीजें बताई थी, जैसे सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स और एटम्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होता है एंड दे आर पीरियडिकली अरेंज्ड, तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन साइड सॉलिड इट इज सेम, इट इज लेस एंड सेम। देन अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है तो द पार्टिकल्स दे गेट डिस्प्लेस्ड, तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से डिफॉर्मेशन होता है और जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उस पर एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होता है। वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को अपने ओरिजिनल शेप और साइज पे वापस लाने का काम करेगा, राइट? तो इफ अ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, सच बॉडी इज कॉल्ड एज इलास्टिक बॉडी एंड द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच दिस हैपेंस इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसपे आप फोर्स आपने अप्लाई कर दिया, अभी आपने फोर्स रिमूव किया है एंड दे डू नॉट रिगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज, सच बॉडीज आर कॉल्ड एज प्लास्टिक बॉडीज। हमारा यहाँ तक कल हुआ था। अब जब हमको इलास्टिक प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है, हमको अगर किसी मटेरियल के इलास्टिक प्रॉपर्टी का स्टडी करना है तो हम इलास्टिक प्रॉपर्टीज को दो फिजिकल टर्म्स है जिसको हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोलते हैं। सो वी स्टडी इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल और ऑफ अ बॉडी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल, वेरी सिंपल इजी टॉपिक, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके तो सबसे पहले तो स्ट्रेस क्या होता है हम लोग डिफाइन कर देंगे। ओके और व्हाई आर वी यूजिंग दिस, बिकॉज हम लोगों को इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी इसका स्टडी करना था। तो हमको देखो, मैंने जैसे आपको कल बताया था कि अगर हमको किसी भी एक मैटर का मटेरियल का स्टडी करना है, अगर वो सॉलिड है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करंट पास करते हैं, फिर कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी मेजर करते हैं। वैसे ही अगर मुझे इलास्टिक प्रॉपर्टीज का स्टडी करना है तो मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, है ना, फिर फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है वो देखूंगा, उसको बोल दूंगा स्ट्रेस है। मैंने एक वायर पे फोर्स अप्लाई कर दिया, उस वायर का मान लो ओरिजिनल लेंथ था 10 मीटर, उस पर फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका लेंथ हो गया 11 मीटर, तो लेंथ 1 मीटर से चेंज हुआ, तो मैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ कर लूंगा, उसको मैं बोल दूंगा स्ट्रेन। सो व्हेन यू वांट टू स्टडी इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी यू कैन डिस्क्राइब देम इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी आर डिस्क्राइब्ड, जस्ट अ मिनट, आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ लेट मी सी व्हाट इज हैपनिंग हियर या आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ऑल राइट। सो देर वॉज सम टेक्निकल ग्लिच, तो कोई इशू नहीं है, आई एम जस्ट चेंजिंग माई वाइट बोर्ड। तो वी स्टार्टेड विथ वॉट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो मैंने आपको बताया कि हमको इलास्टिक प्रॉपर्टीज का स्टडी करना है, तो टू स्टडी इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी वी यूज कॉन्सेप्ट सच एज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। The elastic properties of a body
इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी, प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ, आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो हम सबसे पहले स्ट्रेस क्या है वो डिफाइन कर लेंगे। सो विल सी व्हाट इज स्ट्रेस। बहुत सिंपल सा आइडिया है, तो लेट्स डिफाइन व्हाट इज स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। स्ट्रेस देखो बहुत सिंपल सा आइडिया है। द आइडिया इज दिस कि अगर मेरे पास, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ आई हैव अ वायर, लेट्स से इस वायर का लेंथ जो है वो एल है, उस पे मैंने एक लोड अप्लाई किया है, लोड इन द फॉर्म ऑफ वेट, वेट इज mg, मतलब मैंने एक फोर्स अप्लाई किया है। तो ये जो फोर्स है तो पूरे के पूरे लेंथ पे लगा है ना, मतलब जितना भी वायर का एरिया होगा उस पूरी एरिया पे ही ये जो फोर्स है ये अप्लाई हो रहा है। मुझे देखना है कि यूनिट एरिया में कितना फोर्स है। तो इफ आई टेक यूनिट एरिया ऑफ दिस वायर, देन व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट यूनिट एरिया, राइट? तो स्ट्रेस का मतलब सिर्फ इतना होता है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैं थोड़ा और क्लियरिटी से बताता हूँ ये चीज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रॉड है, ओके, वी हैव अ रॉड। नाउ इस रॉड पे मैंने एक फोर्स लगा दिया, सो आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस रॉड इन बोथ डायरेक्शन, लेट अस से, करेक्ट, राइट? तो जैसे ही रॉड पे फोर्स अप्लाई हुआ, मैंने आपको बताया था ये पार्टिकल्स का ओरिजिनल पोजीशन है, और फोर्स अप्लाई होने के बाद पार्टिकल्स का पोजीशन जो होगा वो डिस्प्लेस्ड होगा। तो दीज आर द रेड वंस आर द न्यू पोजीशन। फिर मैंने आपको बताया था कि बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। अब जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है यहाँ पे, इंटरनल फोर्स जो है, हाउ मच इज द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। सो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस, राइट? तो स्ट्रेस का ओरिजिनल डेफिनेशन जो है, द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस इज नथिंग बट इंटरनल फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, करेक्ट? लेकिन होता क्या है कि हम लोग इंटरनल फोर्स कैसे मेजर करेंगे? यू कैनॉट गो इनसाइड अ बॉडी एंड मेजर इंटरनल फोर्स। तो आप क्या बोलते हो कि जितना मैंने फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, उतना ही इंटरनल फोर्स बॉडी में प्रोड्यूस होता है अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो ओरिजिनली स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट? बट हमको पता है कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज नथिंग बट अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तो यू कैन ऑल्सो डिफाइन स्ट्रेस एज एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। आप ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो उसको। ऑल राइट, सो लेट्स डिफाइन स्ट्रेस फर्स्ट, और एक एक करके हम लोग कॉन्सेप्ट लिखते जाएंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स डिफाइन व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल
एरिया ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी, ऑलराइट। बट व्हाट वी नो इज, हमको क्या पता है, हमको पता है कि इक्विलिब्रियम में ये इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स आर इक्वल। सो इन इक्विलिब्रियम द अप्लाइड फोर्स एंड इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स आर न्यूमेरिकली इक्वल, राइट, बट देर अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ कोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अगर आउटसाइड आउटवर्ड्स है तो रिस्टोरिंग फोर्स इनवर्ड्स होगा। दे आर न्यूमेरिकली इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ओके। दस स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, दस स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी, ओके। तो बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, स्ट्रेस इज वेरी सिंपल टू डिफाइन, इट इज जस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया। क्योंकि जब हम बात करते हैं फोर्स की तो नॉर्मली हम टोटल फोर्स की बात करते हैं, सो टोटल फोर्स इज बेसिकली एक्टिंग ऑन द होल बॉडी, राइट। एंड मुझे देखना है कि यूनिट एरिया में कितना फोर्स है, उसको बोल दूंगा स्ट्रेस। तो अगर आपने स्ट्रेस को डिफाइन किया फोर्स अपॉन एरिया, तो वी कैन ऑल्सो बेसिकली डिफाइन और डिस्क्राइब इट्स यूनिट्स। तो स्ट्रेस एज वी सेड इज फोर्स अपॉन एरिया, अप्लाइड फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स होता है न्यूटन में, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस। अगर आपको डायमेंशन निकालने हैं तो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर ऑल्सो सिंपल। फोर्स का डायमेंशन होता है एम वन एल वन टी माइनस टू अपॉन एरिया का होता है एल टू। तो इन शॉर्ट यू विल हैव एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, दीज आर डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, राइट। आई कैन से what I can say is, thus thus stress is equal to applied force upon area, or I can say it is internal elastic restoring force, internal restoring force per unit area, right, simple. Therefore SI units of stress are Newton per meter square and its dimensions are, and its dimensions are m1 l minus 1 and t minus 2, okay, right, good. So once you know what is stress, now we can define what is strain. तो अभी स्ट्रेन का मतलब क्या है? देखो क्या होगा, जो भी फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो क्या क्या कर सकता है। मैंने अगर एक वायर पे फोर्स अप्लाई कर दिया तो वो जो फोर्स है वो लेंथ चेंज कर सकता है, ओके, वो वॉल्यूम चेंज कर सकता है, वो शेप चेंज कर सकता है, मतलब इन शॉर्ट डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। लेंथ चेंज होना मतलब डायमेंशन चेंज होना, वॉल्यूम चेंज होना मतलब डायमेंशन चेंज होना, शेप चेंज होना मतलब डायमेंशन चेंज होना। तो अगर हमने
चेंज इन डायमेंशंस, जैसे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब जैसे ओरिजिनल लेंथ मैंने अगर इसका रेशियो ले लिया, इसको बोलेंगे स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज सिंपली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस टू दैट ऑफ ओरिजिनल डायमेंशंस। सो स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि स्ट्रेन को आपने कैसे डिफाइन किया, चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशंस, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 मीटर का वायर था, मैंने एक फोर्स लगा दिया 11 मीटर हो गया, तो 1 मीटर बाय 10 मीटर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट। सो इट इज दैट सिंपल, तो आपको ये पता होना चाहिए। सो लेट्स डिफाइन व्हाट इज स्ट्रेन। ओके सो लेट्स डिफाइन स्ट्रेन, सिंपल है। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज, एज द चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशंस, राइट। अब क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटी का रेशियो है तो ये डायमेंशनलेस है, सो स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस सिंस इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज क्वांटिटीज, राइट। तो एक्सट्रीमली सिंपल केस, स्ट्रेन इज वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल थिंग, राइट। देन अब इंपॉर्टेंट थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। सो बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट थिंग, एक सिंपल सी चीज है, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो जैसे मैंने पहले बताया, अगर उस फोर्स ने लेंथ चेंज कर दिया तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, द स्ट्रेस एसोसिएटेड विद दैट बॉडी विल बी कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस और इट विल बी कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और इट विल बी कॉल्ड एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। आई विल जस्ट टेक इट टू नेक्स्ट पेज। व्हाट आई एम सेइंग इज, हमारे पास एक वायर था, मैंने वायर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया, वेट ऑफ द, मतलब ये जो वेट है दैट विल एक्ट ऑन द वायर, सो mg विल एक्ट ऑन द वायर। ओरिजिनल लेंथ था l और ये वेट लगाने के बाद लेंथ चेंज हो गया, लेंथ हैज इंक्रीज्ड, तो लेट्स से डेल्टा l इज अ चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, राइट। तो ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया है, ये फोर्स क्या कर रहा है, लेंथ को चेंज कर रहा है, राइट। तो इस फोर्स के साथ जो एसोसिएटेड स्ट्रेस होगा, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो हाउ कैन वी डिफाइन टेंसाइल स्ट्रेसेस, टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमने लगाया है इन द फॉर्म ऑफ लोड, मतलब वेट, मतलब mg, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर सर्कल होता है, क्योंकि जो वायर मैंने लिया है ये वायर जो है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है विद रेडियस r, तो उसका एरिया होगा r और उसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर, करेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड एज टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, द स्ट्रेस एसोसिएटेड, ये तो फिर बोल सकते हो आप, व्हेन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ देन द स्ट्रेस एसोसिएटेड विद दैट फोर्स इज कॉल्ड एज टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल क्योंकि अलोंग द लेंथ, ओके। अब इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस क्यों बोलते हैं, मान लो अगर मेरे पास एक रॉड है, मैंने इस रॉड को दोनों साइड से फोर्स लगा दिया,
इसका लेंथ चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी लेंथ चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, इसके लिए इसको हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोलते हैं। सो इट इज दैट सिंपल। तो इसको आप कंप्रेसिव स्ट्रेस इसलिए बोलते हो बिकॉज यू मे अप्लाई अ फोर्स सच दैट द लेंथ ऑफ द रॉड इज चेंजिंग। इन दैट केस द सेम टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस विल बी कॉल्ड एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, एंड द स्ट्रेन विल बी कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेन, जैसे मैंने आपको बताया, व्हाट इज स्ट्रेन? चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। यहाँ पे क्या चेंज हुआ है? यहाँ पे डेल्टा एल लेंथ चेंज हुआ है। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ डेल्टा एल बाय एल, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन। ओके, सो आई थिंक आई शुड रिपीट एवरीथिंग अगेन क्योंकि इजी आइडिया है। तो बेसिकली क्या है, हमको इलास्टिक प्रॉपर्टीज स्टडी करने हैं किसके, बॉडी की। मेरे पास एक बॉडी है, मैं क्या कर सकता हूँ बॉडी पे, मैं फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने टोटल फोर्स एफ अप्लाई कर दिया, मेरे पास एक वायर था, मान लो मैंने इस पर फोर्स अप्लाई कर दिया एफ, करेक्ट। अब अगर मैं देखता हूं ये टोटल फोर्स एफ ये पूरी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, अगर मैं देखता हूं कि यूनिट एरिया में कितना फोर्स है, तो उसको मैं बोल देता हूं स्ट्रेस, राइट, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जो फोर्स अप्लाई किया है वो कुछ तो करेगा ना, मतलब लेंथ चेंज करेगा या वॉल्यूम चेंज करेगा या शेप चेंज करेगा। तो चेंज इन लेंथ और वॉल्यूम और शेप, तो इसके लिए मैं इसको बोलता हूं चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेन। ओके, क्लियर, सिंपल। तो स्ट्रेस कैसे डिफाइन किया, स्ट्रेन कैसे डिफाइन किया, पता है आपको। स्ट्रेस का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन क्या आएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगा, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सिंपल थिंग। अब हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स या तो लेंथ चेंज करेगा या वॉल्यूम चेंज करेगा या फिर वो शेप चेंज करेगा। तो अगर अप्लाइड फोर्स ने लेंथ चेंज किया तो जो स्ट्रेस हम लोग बात कर रहे हैं उस स्ट्रेस को नाम दे दिया, क्या बोल दिया, टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। सो व्हेन द अप्लाइड फोर्स चेंजेस लेंथ ऑफ अ बॉडी, इन दिस केस अ वायर, देन द स्ट्रेस एसोसिएटेड विद दैट डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड एज टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेसिव स्ट्रेस, एंड द स्ट्रेन एसोसिएटेड विद दैट बॉडी दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन, राइट, सिंपल। फिर वॉल्यूम स्ट्रेस देखेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन भी देखेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट वी विल बी सीइंग इज टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेसिव। ओके, सो फर्स्ट टाइप इज टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल, सो टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस और यू कैन कॉल इट एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और यू कैन कॉल इट एज कंप्रेसिव स्ट्रेस, राइट। तो हमने डिफाइन कैसे किया, व्हेन अप्लाइड फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ, व्हेन अप्लाइड फोर्स
an applied force is deforming force in this case. When applied force or deforming force produces change in length of a body, such as wire, of course, wire hoga, beam hoga, etc. Body such as wire, beam, column, rod, etc. The stress associated is called as tensile or longitudinal stress. Right. So, for example, let us take a metal wire of length L, और उस पे हम लोग ने एक लोड लगा दिया. सो जस्ट अ मिनट, लेट अस कंसिडर अ मेटल वायर. सो व्हेन अ मेटल वायर of length L and radius R is stretched by a load F, it elongates as shown in figure. मैं figure draw कर देता हूँ, as shown in figure. Okay. So let us draw a figure here. So we have a rigid support. Then we have a wire hanging from that rigid support. So this is that wire which is hanging from the rigid support. Then हमारे पास एक, हमने एक इस पे लोड लगा दिया है. लोड मतलब वेट होता है, बेसिकली सिंपल है. सो वी आर अप्लाइंग अ लोड हियर. ओके, अ लोड हियर. देन इन दिस केस लेट्स से ओरिजिनल लेंथ इज एल, कैपिटल एल. इस पे हमने एफ फोर्स लगाया है और व्हाट विल हैपन इज लोड अप्लाई करने की वजह से लेंथ बढ़ गया, वायर का लेंथ बढ़ गया. वी स्टिल हैव दैट लोड एक्टिंग ऑन इट. सो पार्डन मी फॉर माय ड्राइंग, इट इज पुअर आई नो. ओके, देन यहां तक यहां से लेके तो यहां तक, दिस इज चेंज इन लेंथ. राइट, सो दिस इज चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, दिस इज ओरिजिनल लेंथ. ऑल राइट, तो आई विल जस्ट डू नॉमेनक्लेचर नाउ. मान लेते हैं यहां पे ये लोड एफ था, यहां पे लोड एफ है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ एम जी. ये ओरिजिनल लेंथ एल है, ये चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है. दिस इज How we are applying load. तो और ये जो वायर है इसका रेडियस आर है, बेसिकली सिंपल केस. तो longitudinal और tensile stress हमने डिफाइन कैसे किया? हमने बोला अप्लाइड फोर्स F अपॉन एरिया. अप्लाइड फोर्स F क्या है? mg. और क्योंकि वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कल है तो एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज नथिंग बट
longitudinal or tensile stress. This is how you define, right? बहुत सिंपल है. Where हमने वो मेंशन किया है, कैपिटल L क्या है, where delta L is the change in length. Change in length. Okay. अब compressive stress क्या होगा? तो as I told you, compressive stress मतलब जब आप एक रॉड को दोनों एंड से पुश कर रहे हो, यू आर पुशिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, तो लेंथ चेंज होगा. तो लेंथ उस केस में डिक्रीज होगा, इस केस में लेंथ इंक्रीज हुआ है. सो इन दैट केस द सेम स्ट्रेस विच इज प्रोड्यूसिंग चेंज बट नाउ लेंथ इज डिक्रीजिंग, आप उसी स्ट्रेस को बोलोगे कंप्रेसिव स्ट्रेस. सो व्हेन अ रॉड इज पुश्ड at two ends with equal and opposite forces, with equal and opposite forces its length decreases, the restoring force per unit area in this case, is called as compressive stress. Right. तो सिर्फ ये है कि compressive stress क्यों बोला है उसको, only to define that much, है ना? सिर्फ इस केस में क्या हो रहा है कि लेंथ डिक्रीज हो रहा है और पहले केस में लेंथ इंक्रीज हुआ था. ऑलराइट, सो नाउ इट इज टाइम टू डिफाइन व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बेसिकली. सो वी कैन सिमिलरली डिफाइन टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो सिंपल है ये, तो इट इज नथिंग. If the applied force produces change in length of a body, then the strain associated with that body is called as tensile strain. So longitudinal strain or tensile strain is nothing but change in length per unit original length. Easy hai. So when, if the applied force produces change in the length of the body pata hai aapko, it is in the form of wire or beam etc., produces change in the length of the body, wire, beam etc., the strain associated is called as tensile or longitudinal strain. Tensile or longitudinal strain. Good. Then अब ऐसा है कि इसको हम इसका फॉर्मल डिफाइन कर सकते हैं, that it is nothing but change in length per unit original length. So it is defined as change in length per unit original length. Okay, simple. Then इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन भी कर सकते हैं. We can define it mathematically as so what we can say is therefore longitudinal or
टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो ये आपको मिल जाएगा चेंज इन लेंथ इज डेल्टा एल और ओरिजिनल लेंथ इज एल, राइट. मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो, इन शॉर्ट यू कैन से फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ. तो यू कैन से इट इज फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. नाउ इफ यू लुक एट द डायग्राम, फाइनल लेंथ कितना है यहां से लेके यहां तक, मतलब एल प्लस डेल्टा एल, ओके. और इनिशियल लेंथ कितना है एल. तो फाइनल लेंथ इज नथिंग बट एल प्लस डेल्टा एल माइनस इनिशियल लेंथ इज एल अपॉन इनिशियल लेंथ इज अगेन एल. तो ये आपके पास आएगा डेल्टा एल बाय एल. दिस इज लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेन. बहुत सिंपल सा केस है, एक्सट्रीमली सिंपल, इज नथिंग हियर. ओके, अब अगर एक फोर्स ने वॉल्यूम चेंज किया तो उस केस में जो स्ट्रेन एसोसिएटेड होगा उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन, या फिर स्ट्रेस की बात करोगे तो वॉल्यूम स्ट्रेस, या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस. तो एज यू सी हियर, इफ देयर इज चेंज इन लेंथ देन द स्ट्रेस एसोसिएटेड इज कॉल्ड एज टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेसिव स्ट्रेस, एंड द स्ट्रेन इज कॉल्ड एज टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. सिमिलरली एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी को मैं चारों तरफ से कंप्रेस कर रहा हूं. बाय द वे, बाद में बताने से मैं अभी बता देता हूं, ये चार नहीं ये छह फेसेस है, बिकॉज आई एम टेकिंग अ क्यूब. क्यूब के छह फेस होते हैं. तो अगर मुझे क्यूब का वॉल्यूम चेंज करना है तो मुझे साइमल्टेनियसली एक साथ मुझे छह के छह फेसेस पे फोर्स अप्लाई करना है. तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग बोलते हैं कि वी आर अप्लाइंग प्रेशर. ओके, वी आर अप्लाइंग प्रेशर साइमल्टेनियसली फ्रॉम ऑल साइड्स. इंस्टेड ऑफ सेइंग प्रेशर, हम लोग बोलते हैं वी आर चेंजिंग द प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड. ऐसा क्यों? एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूं आपको. हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है जो एटमोस्फियर में, मतलब एयर में रखा गया है. तो उस पे प्रेशर क्या एक्ट होगा इनिशियली? पी जीरो, एटमोस्फेरिक प्रेशर. अब मैंने उसी क्यूबिकल बॉक्स को मैंने रिवर के अंदर, लेक के अंदर डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया, करेक्ट. तो प्रेशर बढ़ गया. व्हाट इज द प्रेशर देयर इनसाइड वाटर? पीडब्ल्यू, राइट. मतलब प्रेशर चेंज हुआ, डेल्टा पी या फिर डीपी. तो यू कैन से देयर इज चेंज इन प्रेशर. ओके, एंड हाउ मच इज द चेंज इन प्रेशर? प्रेशर इनसाइड वाटर माइनस प्रेशर इन एटमोस्फियर इन एयर, राइट. मतलब इन शॉर्ट, हमको अगर एक क्यूब को हर एक डायरेक्शन से या फिर एक बॉडी को हर एक डायरेक्शन से इक्वली कंप्रेस करना है, उसका वॉल्यूम हर एक डायरेक्शन से इक्वली कम करना है, तो हमको प्रेशर चेंज करना पड़ता है, राइट. अब ये जो प्रेशर है, दिस प्रेशर कैन बी रिटन एज, आपको पता है प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. मतलब फोर्स इज नथिंग बट एडीपी, करेक्ट है ना, बिकॉज यू ऑलरेडी नो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. सो चेंज इन प्रेशर इज चेंज इन फोर्स अपॉन एरिया, करेक्ट. अब जैसे हमने स्ट्रेस डिफाइन किया है लॉन्गिट्यूडनल, वैसे ही हम वॉल्यूम या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस डिफाइन कर सकते हैं. सो वॉल्यूम स्ट्रेस
is what? Volume stress is force upon area. What is df? It is a dp upon a cancel ho gaya. Matlab volume stress is nothing but just change in pressure. Aur jabhi bhi hum pressure change karte hain usko hydraulic word use hota hai wahan pe, isliye hum log bol rahe hain hydraulic stress, right? Ab ye jo pressure difference hai, isne kya kiya? Isne is cube ka volume kam kar diya. तो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज रिड्यूस्ड नाउ, है ना? तो न्यू वॉल्यूम जो होगा, फॉर एग्जाम्पल इनिशियल वॉल्यूम v था, अब जो वॉल्यूम है वो v माइनस dv है, क्योंकि कम हो गया था, ओरिजिनल में से dv कम हो गया, पहले 100 मीटर क्यूब था, अभी 80 रह गया, मतलब 100 माइनस 20 रह गया, मतलब ओरिजिनल माइनस चेंज, राइट? तो वॉल्यूम स्ट्रेन कैसे डिफाइन किए थे हम लोगों ने? हमने बोला था वॉल्यूम स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब इन जनरल क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन, यहाँ पे डायमेंशन मतलब यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हुआ है, तो चेंज इन वॉल्यूम dv अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम v विद अ नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि ये आपको बताता है दैट द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, राइट? बिकॉज द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. तो वॉल्यूम स्ट्रेन आ गया आपका dv बाई v, और वॉल्यूम स्ट्रेस या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस आपका आ गया डीपी. बहुत सिंपल है. जैसे टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज द स्ट्रेस एसोसिएटेड व्हेन फोर्स चेंजेस द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सिमिलरली वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज द स्ट्रेस एसोसिएटेड व्हेन अ फोर्स चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज वॉल्यूम स्ट्रेन, राइट? सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है. सो व्हाट आई विल डू नाउ इज आई विल क्विकली रिवाइज व्हाट एवर वी हैव डन सो फार. तो आज हमने क्या किया? आज हमने स्टार्ट किया था, हमको इलास्टिक प्रॉपर्टी स्टडी करनी है. तो इलास्टिक प्रॉपर्टी आप स्ट्रेस और स्ट्रेन इन दो फिजिकल क्वांटिटीज से स्टडी कर सकते हो. स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया है, स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन है. चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन है. ऑलराइट, देन स्ट्रेस आप तीन टाइप से डिफाइन कर सकते हो. सिमिलरली स्ट्रेन भी आप तीन टाइप से डिफाइन कर सकते हो. अगर हमने जो फोर्स अप्लाई किया अगर वो लेंथ को चेंज कर रहा है तो आप उसको बोलोगे टेंसाइल स्ट्रेस. द स्ट्रेस एसोसिएटेड व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ, राइट? द स्ट्रेस एसोसिएटेड व्हेन द फोर्स चेंजेस वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेस या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस. तीसरा मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा. सिमिलरली स्ट्रेन के लिए भी वैसा है. Change in length upon original length is tensile strain. Change in volume upon original volume is volume strain. Right? तीसरे की बात हम लोग कल करेंगे. कल मतलब next session में करेंगे. Okay? Whenever we have next session, we'll be talking about that in that session. Right? बहुत simple concept है. Stress force upon area है तो Newton per meter square उसका unit आएगा. क्योंकि strain is the ratio of two same quantities, तो dimensionless आएगा. That's it. Right, so it is very simple thing, extremely extremely simple thing. Okay, so we'll stop here and we'll continue this point onwards in the next session.